हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएसबी भोपाल में जो मुझसे प्रश्न पूछे गए थे, एसएसबी के फर्स्ट डे में जो फर्स्ट टेस्ट होता है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का, ठीक है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिपीट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेट बहुत ही कम बार बदले जाते हैं, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड विल कम इन लास्ट वेन अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन डिक्शनरी, ठीक है, जब डिक्शनरी में हम इनको अरेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड सबसे लास्ट में होगा। तो देखिए, EXPO सब में क्या है, सेम है, तो हमें क्या देखना है, फिफ्थ लेटर क्या है। देखिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यू है, तो सबसे लास्ट में क्या आता है, यू। द आंसर विल भी क्या होगा यहाँ पे, एक्सपॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक्सपॉन्ड जो होगा लास्ट में होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये वीडियो बेहद ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि मेक द जम्बल वर्ड अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, 100% जो क्वेश्चन है टू सेम है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, हिंट, एनिमल है, ये क्या है कि एनिमल है, तो देखिए ये क्या होगा, एलिफेंट है, ठीक है, ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये जो है सिनोनिम्स ऑफ ट्राई है, सॉरी, ट्राई का सिनोनिम्स है, ठीक है, तो क्या होगा, कोशिश करना, मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए, PRACTICE है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि इफ प्लस मीन्स माइनस, ठीक है, इफ प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए, 45 माइनस 5 है, तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस की जगह पर रखेंगे डिवीजन बाई 5, डिवीजन की जगह पर क्या रखेंगे, डिवीजन पर रखेंगे गुना 9, गुना की जगह पर रखेंगे प्लस, ठीक है, 4, और प्लस की जगह पर रखेंगे -3। तो देखिए, सबसे पहले ये होगा 45 बाई 5 कितना होगा, 5, सॉरी 9, 9 × 9 कितना होगा, 9 × 81, ठीक है, और प्लस 4 − 3 कितना होगा, +1, ठीक है, 9 × 81, 81 कितना होगा, 82, ऑप्शन नंबर सी, 82, द आंसर विल बी 82, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इफ एन एपी हैज फिफ्थ टर्म इज 24, किसी एपी का जो पांचवा टर्म कितना है, 24, ठीक है, ए 5 जो है कितना है, 24 है, और 11th टर्म जो कितना है उसका, 54 है, तो ए 11 कितना है, 54 है, देन फाइंड द ए एंड डी, तो ए एंड डी फाइंड करना है। तो देखिए, ए 5 क्या होता है, ए 5, ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है यहाँ पे, 5 है, तो क्या होगा, 5 − 1 तो कितना, 4, 4d इक्वल टू कितना, 24, और ये क्या होगा, ए प्लस 11 है, तो 11 में से कितना हो गया, 10d इक्वल टू कितना, 54, ठीक है, घटाइए आप यहाँ पे, तो ये देखिए कट जाएगा, ठीक है। देखिए, 10 में से 4 कितना, मतलब -6d, ये कितना होगा, -30, ठीक है, ये जो बड़ा है तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा 5, डी क्या होगा, 5 के बराबर, तो डी जो कितना है, 5 है, तो वैल्यू पुट करिए, ए प्लस 4 × d, डी कितना है, 5 इक्वल टू 24, तो क्या होगा, 5 × 20, तो क्या होगा, 20 + 20 = 24, ठीक है। देखिए, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा 24 − 20, दैट इज इक्वल टू कितना, 4, मतलब कि ए 4 होगा और डी कितना होगा, 5, ए 4 और डी कितना, 5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड विल कम फर्स्ट इन डिक्शनरी, ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड डिक्शनरी में सबसे ऊपर आएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, META सब में क्या है, सेम है, META सब में सेम है। देखिए, तो ऊपर क्या होगा, एल होगा, पी होगा, ईपी होगा कि एल होगा, ऊपर क्या होगा, एल होगा, मतलब कि दो केस बचा, ठीक है। देखिए, एल के बाद क्या है, एल है, यहाँ पे एल के बाद क्या है, एल है, तो यहाँ पे भी दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए, यू होगा कि पहले आई होगा, ठीक है, यू होगा कि पहले आई होगा, पहले क्या होगा, आई होगा, मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मेटालिक विल कम फर्स्ट इन द डिक्शनरी व्हेन अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो एसएसबी के लिए आपको बेहद ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है कि कंप्लीट द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करिए, ठीक है। देखिए, सीक्वेंस क्या है, ए बी स्पेस टी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन हैं तो उसको हम लोग 4 या 3 के पेयर में कर लेंगे, ठीक है, 4 या 3 के पेयर में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बच रहा है, ठीक है, तो हम कितना कर लेते हैं, 5 5 कर लेते हैं, ठीक है, 5 ये 5 ये और ये 5, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ए बी ए सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ए बी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी डी, सब में क्या हो जाएगा, डी डी हो जाएगा, डी, ठीक है, यहाँ पे होगा डी ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे देखिए डी ए,
यहाँ पे क्या होगा, डी ए होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डी ए होगा। देखिए ए बी डी ए सी, ए बी डी ए सी, ए बी डी ए सी, ठीक है, डी डी ए डी, ठीक है, सॉरी डी डी ए डी, ठीक है, डी डी ए डी, डी डी ए डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए डी ए डी, सॉरी ए बी डी ए सी, ए बी डी ए सी, ए बी डी ए सी, ठीक है। देखिए क्या है, सीक्वेंस हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखिए, 4 5 20 + 9 कितना 29, ठीक है, 7 3 21 + 4 कितना 25, 8 2 16 + 9 कितना 25। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले आंसर में 66 को उठाइए, 67 में से 11 गया कितना बचा 56, ठीक है, 56 में, सॉरी यहाँ पे क्या रखे हैं कि गुना करने पर क्या जाए 56 क्या होगा 8, 8 7 क्या होगा 56, और 56 प्लस 11 क्या होगा 67, जो सीक्वेंस है सब में वही होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय अरेंजिंग द वर्ड्स प्रॉपरली, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे अरेंज करें कि प्रॉपर वर्ड जो है फॉर्म करें और सही भी हो। देखिए क्या होगा, फ्लैश फ्लड, ठीक है, फ्लैश फ्लड वॉशेस अवे टेम्पोररी ब्रिज इन बिहार, ठीक है, फ्लैश फ्लड वॉशेस अवे टेम्पोररी ब्रिज इन बिहार, ऑप्शन नंबर डी, डी सी ए डी, ठीक है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना वो हर बार सेम टू सेम ही होते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में सही से ही ऑप्शन जो टिक भी होता है और कभी कभी ऑप्शन जो है गलत भी टिक होता है, ठीक है, 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ये जो है हम यहाँ पे फिल करना है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सोचिए, आप वीडियो को पॉज कर लें, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 में से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या होगा 65, ठीक है। देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49 में से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या बचेगा 33, ठीक है। और ये देखिए कितना होगा 7 का 16, और ये कितना होगा 105, ठीक है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 105 है और यहाँ पे क्या है x है, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 105 प्लस 16, ठीक है, 6 5 11 खांसी लेक, ठीक है, और 1 2 1 कितना 121, कितना होगा x इज इक्वल टू 121। तो 121 जो है किसका स्क्वायर होता है, इसका आंसर क्या होगा 11 का, ठीक है। देखिए अब देखिए 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 का स्क्वायर 16 क्या होगा 105 होगा, ठीक है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हमें इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है, 4 4 3 4 जो भी हो, ठीक है। देखिए 4 4 क्या करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और ये 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पेयरिंग बन रहा, देखिए बी ए, अगर हम लोग यहाँ पे बी रखते हैं तो क्या होगा बी ए सी डी, है ना, बी ए सी डी, मतलब यहाँ पे क्या होगा सी होगा, ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे बी होगा बी ए सी डी, फिर क्या होगा बी ए सी डी, आंसर क्या होगा सी बी सी, ठीक है, बी ए सी डी, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। देखिए बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी और बी ए सी डी, देखिए सी बी सी डी, सी बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रश्न जो कि एस एस बी भोपाल में हमसे पूछे गए थे। फ्रेंड्स ये जो है फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 10 प्रश्न को कवर किया है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को, ठीक है, सीरीज वाइज डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। आपको अगले पार्ट में, ठीक है, 10 क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे और उसके अगले वाले में 10 क्वेश्चंस और। तो वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।